हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजी पेज। ये 3 BHK हाउस प्लान है। इसकी 2D प्लानिंग मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे ड्राइंग रूम में जाने के लिए डोर दिया गया है। ये उससे अटैच्ड, ड्राइंग रूम से अटैच्ड टॉयलेट के लिए एरिया दिया गया है। यहाँ पे लिविंग एरिया में जाने के लिए डोर दिया गया है। ये लिविंग एरिया है। ये पूजा के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे स्टेयरकेस में जाने के लिए एक डोर दिया गया है। और ये बेडरूम में जाने के लिए डोर है। यहाँ पे दूसरे बेडरूम में जाने के लिए डोर दिया गया है। ये इस बेडरूम से अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया है। और इस ड्रेसिंग एरिया से एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है, कॉमन टॉयलेट है। ये किचन में जाने के लिए एंट्रेंस दी गई है। ये किचन से OTS में जाने के लिए, जिसको हम पीछे आंगन मैंने दे दिया है। अब देखते हैं इसकी वॉल को। इसमें जितनी भी वॉल दी गई हैं, ये 4.5 इंच की वॉल दी गई है। यहाँ पे वॉल है, बीच में विंडो दिया गया है। यहाँ पे भी वॉल दी गई है। यहाँ पे भी वॉल दी गई है। ये वॉल है, यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। ये भी वॉल दी गई है। ये भी वॉल दी गई है। यहाँ पर भी वॉल है। इस रूम में यहाँ पे विंडो दी गई है। और ये है वॉल, यहाँ पे विंडो दी गई है। ये है पूरी वॉल, ये सब वॉल दी गई है। ये वॉल दी गई है। यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे विंडो है। ये इसका वेंटिलेटर दिया गया है। यहाँ पे पार्टीशन वॉल है। ये भी 4.5 इंची की पार्टीशन वॉल दी गई है। यहाँ पूजा को कवर करने के लिए या तो ब्रिक वॉल कर सकते हैं, या फिर डेकोरेटिव पार्टीशन वॉल आती है, वो हम यूज़ कर लेंगे। ये पूरी 4.5 इंची की वॉल है, ठीक है। अब विंडो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे विंडो दी गई है। यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। ये वेंटिलेटर है। यहाँ पे रूम में विंडो दी गई है। यहाँ पे बेडरूम में विंडो दी गई है। ये टॉयलेट का वेंटिलेटर है। यहाँ पे किचन में विंडो प्रोवाइड की गई है। और यहाँ स्टेयरकेस में ओपनिंग दी गई है। इसमें चाहे तो आप विंडो लगा दीजिए, या फिर डेकोरेटिव पार्टीशन वॉल से कवर कर दीजिए। अब इसके रूम साइज़ की बात कर लेते हैं। ये है ड्राइंग रूम। यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है। ये भी कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम 1। ये है बेडरूम 2। ये है टॉयलेट। ये है ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे OTS है, जिसे हम बोलते हैं ओपन टू स्काई। ये किचन है। ये लिविंग प्लस डाइनिंग हॉल है। और यहाँ पे पूजा है। और यहाँ पे स्टेयर है। इसके साइज़ को आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ड्राइंग रूम का साइज़ है,
13 फिट बाई 12 फिट। टॉयलेट का साइज़ है 5 फिट बाई 7 फिट का। ये टॉयलेट भी 5 फिट बाई 8 फिट का है। ये लिविंग प्लस डाइनिंग हॉल का साइज़ है 13 फिट 9 इंच बाई 18 फिट 6 इंच का। इस बेडरूम का साइज़ है 13 फिट बाई 11 फिट 7 इंच का। और इस बेडरूम का साइज़ है 13 फिट बाई 13 फिट 5 इंच का। इसमें जो टॉयलेट दिया है उसका साइज़ है 7 फिट बाई 6 फिट। किचन का साइज़ है 13 फिट बाई 9 इंच बाई 10 फिट का। और जो ओटीएस पीछे दिया है ये 10 फिट 6 इंच बाई 4 फिट का है ओटीएस। इसमें जो स्टेयरकेस दी गई है, स्टेयरकेस की जो विड्थ है वो 3 फिट है। स्टेप की जो विड्थ है वो 3 फिट है। अब हम इसके विंडो के साइज़ को भी देख लेते हैं। इसमें जो विंडो का साइज़ है, जो ड्राइंग रूम में विंडो दिया है वो सबसे बड़ा है। इसका साइज़ है 8 फिट। वेंटिलेटर का जो साइज़ है उसकी विड्थ है 2 फिट। टॉयलेट में जितने भी वेंटिलेटर लगे हैं उसके 2 फिट है। और बेडरूम में जो विंडो का साइज़ है ये 4 फिट है, इसकी भी विड्थ 4 फिट है। यहाँ पे जो टॉयलेट दिया है इसकी विड्थ 2 फिट है। जो यहाँ पे टॉयलेट दिया है इसमें जो किचन है इसकी जो विड्थ है विंडो की ये भी 4 फिट ही है। और स्टेयरकेस में जो विंडो दिया है इसकी भी विड्थ 4 फिट है। अब हम इसके डोर के साइज़ की बात करें तो जो D1 है ये सब D1 है डोर का साइज़। D1 का जो साइज़ है वो 3 फिट बाई 7 फिट के डोर है। और जो टॉयलेट के लिए यूज़ किए गए हैं डोर, इसे हम D2 नाम दे देते हैं। जो ड्रेसिंग एरिया में है वो भी D2 है। जो OTS में है वो भी D2 है। यहाँ पे भी D2 है। इसका साइज़ है 2 फिट 6 इंच यानी 2.5 फिट का डोर है। और इस पूरे प्लॉट साइज़ का एरिया, इस पूरे प्लॉट का साइज़ है 48 फिट। तो ये प्लानिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।